सरकार आपको कितनी सक्षम दिखाई देती है? सरकार तो पूरी तरीके से असक्षम है, विफल है। अब अनुभवहीनता भी नहीं कह सकते, क्योंकि 6 साल में अनुभव जिसको नहीं मिला वो अब अनुभव क्या लेगा, कहाँ से उसके पास अनुभव आएगा। तो हर मोर्चे पे इन्होंने तो बता दिया कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो जो करना है आगे जनता ने करना है। और लूटपाट तो कोरोना के नाम पे हो ही रही है, कई प्रदेशों में 5-5 लाख रुपए आते हैं एक केस के आइडेंटिफाई होते हैं, 5 हरियाणा में 3-3 लाख रुपए आते हैं, बताएं तो कहाँ जा रहा है पैसा। एक दिन में ही नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं, फिर पॉजिटिव दे देते हैं, फिर कुछ और करते हैं, तो जांच भी प्रॉपर नहीं हो रही है। यानी आपका कहने का मतलब है जो कोरोना की टेस्टिंग है कहीं ना कहीं उसमें भी काफी खामियां हैं? उसमें भी खामियां हैं, और ये अपने आप में एक बड़ा षड्यंत्र भी है, और ये पूरा बड़ा एक घोटाला भी है। तो मिल करके अधिकारी लगे हुए हैं अपना, लोग ये कह रहे हैं जितना इस समय जो पावर में नेता है और जो अधिकारी है, जितना उन्होंने भ्रष्टाचार किया है कोरोना की आड़ में हर तरीके का, इतना तो बोले वैसे नॉर्मल में होता ही नहीं था, तो तबाही मचा रखी है। ठीक है, अगले विधानसभा चुनाव में अशोक तंवर की भूमिका कैसी रहेगी? क्या अकेले चुनाव मैदान में उतरेंगे या कोई गठबंधन? अगले उसमें जनता की सरकार बनेगी, और वो जनता की सरकार लाने में हम पूरी ताकत लगाएंगे। किसी से समझौता भी हो सकता है? समझौते का तो अभी कोई मामला नहीं है, हम तो यह करें कि विकल्प चाहिए जनता को, विकल्प देना हम सबके। अभी तक अशोक तंवर ने अपनी कोई पार्टी का गठन नहीं किया है, क्या समझा जाए? पार्टी पुर्टी तो ये तो समय जब होगा, तो अभी तो महामारी का समय है, लोगों को सबको आगे बढ़ करके जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, रोजगार किस तरीके से हो वो देखना चाहिए, नहीं तो क्राइम बहुत बढ़ जाएगा। क्राइम पहले ही 5-7 गुना बढ़ गया है पिछले, अगर हम 3-4 महीने का देखें, मैं तो पुलिस के अधिकारियों से भी चर्चा करता हूँ, क्राइम बहुत बढ़ता जा रहा है। और ये हालात जो है पूरे देश के अंदर भी हैं, लेकिन हरियाणा में और ज़्यादा है, तो आप तो देख ही रहे हैं रोज व्यापारी। तो ये माना जा सकता कि अशोक तंवर ने सभी तरह के विकल्प खुले छोड़ दिए हैं? नहीं, सभी तरह के नहीं, विकल्प तो हमारा जो है ना सच्चाई ईमानदारी न्याय की लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है, उस लड़ाई में जो फिट होगा उसको हम साथ लेकर के चलेंगे। कांग्रेस तो अपने आप ही मैंने कह दिया, जब बीजेपी से मिल गई थोड़े दिन में ये होगा मर्जर होगा, इनका मर्जर होगा नहीं नाश होगा इसका।